स्कूल वगैरह पर आप उसे Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ highly requested video, that is teenage skin care routine. इसे लड़का लड़की कोई भी follow कर सकता है, सारे ही products unisex है. So इस video को end तक जरूर देखिए, क्योंकि ये video काफी ज्यादा helpful होने वाली है. So let's get started. टीनेजर स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा छेड़छाड़ ना करें. आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स चाहिए जो आपको राइट वे में इस्तेमाल करना चाहिए. सो इस वीडियो को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड द सेकेंड पार्ट इज नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. मॉर्निंग स्किन के रूटीन में पहले ही आपको फेस वॉश करना है. सो फेस वॉश के लिए मैं सजेस्ट करूंगी न्यूट्रीग्लो फेस वॉशेस. अगर आपकी स्किन ऑयली, सेंसिटिव, ड्राई या एक्नी प्रोन है, आप न्यूट्रीग्लो के किसी भी वेरिएंट को इस्तेमाल कर सकते हैं. सारे ही फेस वॉशेस बहुत अच्छा है. मैंने पर्सनली उनके बहुत सारे फेस वॉश इस्तेमाल किया है एंड मैं उसको इस्तेमाल भी करती हूँ अभी भी, एंड मुझे काफी ज्यादा पसंद है. सो जैसे कि कॉफी वेरिएंट, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, आप कॉफी वेरिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर स्किन बहुत ही सेंसिटिव या एक्ने प्रोन है, देन नीम तुलसी फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर नीम से एलर्जिक है, देन आप स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश या रेड वाइन फेस वॉश, दैट्स एब्सोल्यूट फेवरेट, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई विल सजेस्ट न्यूट्रीग्लो फेस वॉशेस. जो भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी. और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है. मैंने पर्सनली जो जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया है मैं वही शेयर कर रही हूँ, एंड जिस प्रोडक्ट्स में कोई केमिकल्स नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होता, स्किन के लिए सेफ है, मैं वही प्रोडक्ट्स टीनेजर्स को सजेस्ट करूंगी. फेस वॉश करने के बाद आपको अपने फेस पर टोनर इस्तेमाल करना है, एंड टोनर आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, आपको टोनर जरूर इस्तेमाल करना है. आप कॉटन वॉल में टोनर को ले सकते हैं एंड उससे अपने फेस को वाइप कर सकते हैं. ये एक प्रोसेस है. दूसरा प्रोसेस है, किसी स्प्रे बॉटल में टोनर को ट्रांसफर कर सकते हैं एंड उसे अपने फेस पर स्प्रे कर सकते हैं. तो मैं हमेशा टोनर को अपने फेस पर स्प्रे करना पसंद करती हूँ. आप रोज वाटर को एज अ टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई भी आपकी स्किन टाइप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऊपर से रोज वाटर स्किन को प्लम्प बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और ग्लोइंग भी बनाता है. लेकिन अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या आप एलर्जिक है रोज वाटर से, तो आप ग्रीन टी टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ ग्रीन टी टोनर के लिए मैं आपको एल्प्स गुडनेस ग्रीन टी टोनर सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उसे मैंने इस्तेमाल किया है. एंड रोज वाटर टोनर के लिए आप किसी भी ब्रांड का रोज वाटर टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल साइड में ढूंढ रहे हैं, देन डाबर गुलाबरी रोज वाटर को एज अ टोनर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. डे टाइम हो या नाइट टाइम, आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करना है. सो मॉइस्चराइजर के लिए मैं सजेस्ट करूंगी थ्री ब्रांड्स. वन इज निविया, सेकंड इज लैक्मी एंड थर्ड इज न्यूट्रीग्लो. नाउ निविया क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर. मैं तो पर्सनली उसी को ही प्रेफर करूंगी, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है, देन निविया का भी दूसरा वेरियंट आता है विच इज ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. व्हाइट कलर का कंटेनर है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहे तो लैक्मी पीच मिल्क मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो रियली नाइस. आप चाहे तो न्यूट्रीग्लो मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, कोई केमिकल्स भी नहीं है. अगर आप बाहर जा रहे हैं, देन आप सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं. सो सनस्क्रीन के लिए मैं सजेस्ट करूंगी वाओ स्किन साइंस का यूवी वाटर स्प्रे. नाउ अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है, देन आप ये यूवी वाटर स्प्रे एसपीएफ 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो वाटर बेस्ड होता है एंड वो आप अपने फेस पर स्प्रे करेंगे, फेस ऑयली भी नहीं रहेगा, फेस को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड होगा और सनस्क्रीन का भी प्रोटेक्शन आपको मिलेगा. अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है, देन आप एसपीएफ 50 का जो वाओ यूवी वाटर स्प्रे है, एसपीएफ 50 का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑयल इन वाटर है, मतलब वो थोड़ा सा क्रीम बेस्ड है. तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ वो सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा. लेकिन ऑयली स्किन के लिए ये अच्छे से, उतना ज्यादा अच्छे से ये वर्क नहीं करेगा. दैट्स व्हाई मैंने ऑयली स्किन के लिए यूवी वाटर स्प्रे एसपीएफ 30 का सजेस्ट किया. इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी मैंने शेयर किया है, तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगी. आप चाहे तो उन्हें चेक भी कर सकते हैं.
लिप बम इज रियली एसेंशियल। आप लिपस्टिक इस्तेमाल करें या ना करें, आपको लिप बम जरूर इस्तेमाल करना है। एंड टीनेजर को मैं ब्लू हेवन लिप बम सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, येट वो अच्छे से हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपको ब्लू हेवन लिप बम पसंद नहीं है और आप उससे भी अफोर्डेबल ढूंढ रहे हैं, देन आप निविया लिप बम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। स्किन के रूटीन में आपको सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना है क्लेंजिंग मिल्क या माइसलर वाटर से। क्लेंजिंग मिल्क के लिए मैं सजेस्ट करूंगी अयूर का क्लेंजिंग मिल्क, क्योंकि मैं पर्सनली उसे अपने टीनेज से इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड माइसलर वाटर आप गार्नियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टे कोके का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मेकअप रिमूवर या क्लेंजिंग मिल्क से अपने फेस को हमेशा वाइप कीजिए। आप नहीं भी बाहर गए हैं, आप पूरा दिन घर पर है, फिर भी रात को सोने से पहले अपने फेस को क्लेंजिंग मिल्क या फिर माइसलर वाटर से वाइप कीजिए। उसके बाद आप फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए, सेम फेस वॉश जो मॉर्निंग में इस्तेमाल किया है। देन आपको टोनर इस्तेमाल करना है, सेम टोनर को इस्तेमाल कीजिए। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि टीनेजर्स को सीरम की कोई जरूरत है, लेकिन अगर आप लेट टीन में हैं और आपको सीरम इस्तेमाल करना है, देन आप टोनर के बाद आप सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो NY बेस सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज गुड वाइब्स रोज हिप सीरम। अब ये सीरम काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल है, क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल किया है, मुझे सूट बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी शेयर किया है, आप चाहे तो उनको चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी। सो मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं किया, लेकिन अगर आपको सूट कर गया देन दैट्स द बेस्ट सीरम यू कैन फाइंड, क्योंकि वो आपके फेस को ग्लोइंग बनाता है, स्किन को इवन बनाता है। सो आई रियली लाइक दैट सीरम, लेकिन मुझे सूट नहीं किया। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सीरम, आप क्या कर सकते हैं, रोज वाटर या फिर कोई भी टोनर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे ही आप एक बार अपने फेस पर स्प्रे कीजिए, थोड़ा सा उसे ड्राई कीजिए एंड देन फिर से स्प्रे कीजिए। तो इसी तरीके से आप 5 times, 7 times या फिर 3 times आप कर सकते हैं। इससे स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है, इवन लगता है, स्किन सेल्स रिजुविनेट होता है एंड स्किन ग्लोइंग भी होता है। डे टाइम में आप जो मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं, आप उसी से ही अपने फेस को मॉइस्चराइज कीजिए। अगर आप सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं देन सीरम के बाद भी मॉइस्चराइजिंग इज रियली इम्पोर्टेंट, आपको एक मॉइस्चराइजर जरूर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट लिप बाम के लिए मैं DNQ का लिप बाम नाइट टाइम के लिए सजेस्ट करूंगी, क्योंकि लिप डार्कनिंग को वो रिमूव करता है। पर्सनली मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। आई क्रीम के लिए मैं गुड वाइब्स का कोई आई सीरम सजेस्ट नहीं करूंगी किसी को भी, क्योंकि मेरा उन सीरम्स के साथ बहुत ही घटिया एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो मैं कभी भी उसे किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस जानना है तो कमेंट करके मुझे बताइए, उसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत बुरा था। सो नेवर यूज गुड वाइब्स आई सीरम। So guys, that's it for today's video. I hope this video was helpful for you all. Video पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं उसे भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय।